हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जोन। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेल। आपका पहला लेक्चर है एक्सेल पर। सो लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने एक्सेल नहीं सिखाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा, ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपको जितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और जितना सीखना है आपको टी वाई बी कॉम लेवल पर, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेल में जो चीज़ आती है वो है कॉलम, देन रो, थर्ड सेल, फोर्थ वर्कशीट एंड फिफ्थ वर्कबुक। सी व्हाट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है आपको पहले मैंने सिखाया था एसक्यूएल में। सी कॉलम इज वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। ये जो मैं बना रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स ए बी सी एंड सो ऑन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, राइट। एंड व्हाट इज रो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये देखिए लेफ्ट टू राइट क्या हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से रहता है ये कहलाता है रोज, राइट। एंड व्हाट इज सेल, सी वन कॉलम एंड वन रो इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट द पॉइंट विच इज नोन एज सेल। देखिए यहाँ पर एक कॉलम, कॉलम ए है ये पूरा, और यहाँ रो वन, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है कॉलम एंड रो का, और ये एक डब्बा बनता है जिसको आप लोग डब्बा बोलते हो, राइट। दैट डब्बा इज नोन एज सेल, और इस सेल का एड्रेस होता है सेल एड्रेस, उसको हम लोग कहते हैं सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस और सी सेल रेफरेंस होता क्या है, ये जो एक सेल बना ये एक कॉलम और एक रो की हेल्प से बना है, राइट। सो इस सेल का कुछ नाम होगा, उस नाम को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कॉलम ए एंड रो नंबर वन, इस सेल का एड्रेस हो गया ए वन। ऐसे ही ये कॉलम बी है और इसका रो नंबर कितना है 2, इस सेल का एड्रेस क्या हो गया बी टू, और ये कॉलम ए है रो नंबर 3 ए थ्री, ये सेल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्कबुक, ये इस तरह से एक वर्कशीट, ये इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके मल्टीपल ऑफ सेल्स बनाते हैं, और एक पेज पर जो मल्टीपल ऑफ सेल्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। एंड बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ 3 वर्कशीट्स होती हैं आपके एक्सेल में, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है, और यू कैन ऐड मोर 5, 6 एंड सो ऑन, एंड यू कैन डिलीट इट टिल 1, राइट। सो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं विच इज़ नोन एज वर्क बुक। सो ये बेसिक था। अगर आपको ये बेसिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेल रेफरेंस है, अगर ये सेल रेफरेंस समझ में आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेज यूज़ करने होते हैं आंसर में, फार्मूला में, इसीलिए सेल रेफरेंस ज़रूरी है। सो एक बार आप लेक्चर को पॉज करके रिवाइंड करके आप सेल रेफरेंस अगर नहीं समझ में आता तो फिर से समझिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सी क्वेश्चंस आपको लिंक में मिल जाएगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए पूछता है। सी कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट, और मैंने बताया था एक्सेल शीट, एक्सेल शीट, वर्कशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट, एंड स्प्रेडशीट, ये सारे अलग अलग नाम है एक्सेल के। एक्सेल शीट जो आप यूज़ करते हो उसको कोई कहीं पर वर्कशीट भी लिखा हुआ पाओगे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक शीट भी लिखा हुआ पाओगे, और स्प्रेडशीट भी पाओगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, सारे एक्सेल शीट के ही नाम है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखिए वहाँ पर आपको एक एक्सेल शीट दिया हुआ है जिसमें 5 कॉलम्स है ए बी सी डी ई। ए में दिया हुआ ए वन, यानी ए और उसके रो नंबर 1, ए वन कॉलम सेल का एड्रेस हो गया। ए वन में दिया हुआ है नेम, बी वन में जेंडर, सी वन में डिपार्टमेंट, एंड डी वन में सैलरी, एंड ई में हम लोगों को फाइंड करना है बोनस।
एंड क्वेश्चन में नीचे बोलता राइट स्टेप्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टू कंप्यूट बोनस एज एट द रेट 40% ऑफ सैलरी फॉर सैलरी अप टू 20,000 अदरवाइज बोनस इज 50% ऑफ सैलरी इन ई. यानी वो जो कॉलम ई दिया हुआ है वहां पर उस कॉलम ई के अंदर आपको बोनस फाइंड करना है और बोनस के लिए बोलता है फाइंड कीजिए बोनस एट 40% और ये 40% अप टू 20,000 जिनकी सैलरी होगी उनको बोनस 40% जाएगा अदरवाइज बोनस इज 50%. सी यहां पर कंडीशन क्या है, इफ सैलरी अप टू मींस व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू 20,000. इफ सैलरी अप टू लेस देन और इक्वल्स टू 20,000, अप टू मींस लेस देन एंड इक्वल्स टू होता है, तो आपको बोनस कितना देना है 40% ऑफ सैलरी. अदरवाइज मींस व्हाट, अदरवाइज 50% ऑफ सैलरी. सी अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अगर आपकी सैलरी 20,000 या उससे कम है तो आपको 40% मिल जाएगा, अगर 20,000 से ज्यादा है दैट इज अदरवाइज राइट, यानी कि 20,000 से ज्यादा है तो आपको कितना मिलेगा 50% ऑफ सैलरी राइट. सी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा दिखेगा अगर इतनी सैलरी हो तो ये अमाउंट आपको आना चाहिए अदरवाइज वो अमाउंट आना चाहिए, तो आपको देखना है यहाँ पर कंडीशन कितनी है. सी यहाँ पर एक कंडीशन है, दिस इज नोन एज कंडीशन, कि अगर सैलरी 20,000 से कम है तो 40% ऑफ सैलरी देना, दैट इज ट्रू पार्ट राइट. 40% अगर 20,000 से कम है या 20,000 है तो 40% देना है, अदरवाइज जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स पार्ट. ठीक है, फॉल्स पार्ट एंड दिस इज ट्रू पार्ट. और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इफ, और इसको लिखेंगे कैसे आप, जहां पर भी बेसिक सैलरी दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ आप उस क्वेश्चन में देखिए, बेसिक सैलरी दिया हुआ है D2 में राइट, D1 में लिखा हुआ है सैलरी एंड D2 में सैलरी स्पेसिफाई किया गया है. सो यहां पर मैं लिखूंगा D2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, कंडीशन क्या है 20,000. इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 20,000 देन बेसिक सैलरी का 40% देना है. बेसिक सैलरी अगेन कहां पर हम लोग ने देखा, D2 में. 40% मींस व्हाट, D2 इनटू 40 डिवाइड बाय 100, D2 का 40%. एंड अदरवाइज कंडीशन क्या है, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी. तो हम लोग बेसिक सैलरी कहां पर दिया हुआ है, D2 में, इसका 50% ले लेंगे और ये बन गया आपका फॉर्मूला राइट. लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा आंसर लिखना होगा. सबसे पहले आप क्या फाइंड कर रहे हैं, बोनस राइट. सो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, कहां पर बोनस फाइंड कर रहे हो आप. सी क्वेश्चन में देखिए, बोनस आप फाइंड कर रहे हो E2 में करेक्ट. सो वहां पर आप लिखिए सिलेक्ट सेल E2, सिलेक्ट सेल E2. दूसरे स्टेप पर आप लिखना होगा एंटर दी फॉर्मूला एस. थर्ड स्टेप पे आपको फॉर्मूला लिखना होगा एंड फोर्थ स्टेप पे आपको सी. आप वहां पर देखेंगे तो नंबर 10 पर शीतल करके एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का नाम है, उसकी सैलरी 15,000 दी है. मतलब आपने सिर्फ जतिन का फाइंड किया, मुकेश, दीपिका, अतुल एंड शीतल तक के आपको फाइंड करना है राइट. सो शीतल तक के फाइंड करना है तो आप बार बार ये फॉर्मूला पुटअप नहीं करोगे. एक्सेल अगर इसी तरह बार बार फॉर्मूला पुटअप करना हो तो एक्सेल का यूज़ करना हम लोगों के लिए बेवकूफ़ी हो जाएगा. एक्सेल का यूज़ इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारे काम जो हो शॉर्टकट्स में हो जाए राइट. सो यहाँ पर एक स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, ड्रैग सेल, कहाँ पर फॉर्मूला टाइप किया आपने, E2 अप टू लास्ट सेल कित कौन सा है 10 राइट, E10 यस, बाय यूजिंग फिल हैंडल. नाउ ये फिल हैंडल क्या होता है, जो मैंने आपको अभी एक्सेल शीट बताया था, इस तरह से एक्सेल शीट था राइट, A, B, C, 1, 2 एंड 3. सपोज मैं यहां पर कुछ डेटा टाइप कर रहा हूं, मैंने यहां पर टाइप किया संडे राइट, सन.
जैसे ही मैं डेटा टाइप करता हूँ या सेलेक्ट को इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये सेल बन जाता है एक्टिव सेल, यानी यहाँ पर डार्क हो जाता है, ये सेल हाईलाइट होने लगता है और हर एक्टिव सेल के लेफ्ट राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में इस कॉर्नर पे एक ऐसे रेक्टेंगल ब्लैक बॉक्स बनता है। इस रेक्टेंगल ब्लैक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल। और ये फिल हैंडल यूज़ क्यों करते हैं? फॉर द एंट्रीज ऑटोमेटिक करने के लिए। जैसे ही मैं इस फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करूंगा, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे सो ऑन, ऐसे वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, वहाँ पर डेटा फीड होता जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं E2 को, सपोज यहाँ पर E है, E2 में मैंने यहाँ पर फॉर्मूला टाइप किया राइट एंड सिलेक्ट सेल E2, यहाँ पर सिलेक्ट किया सेल, फॉर्मूला टाइप किया ये वाला और मुझे आंसर यहाँ पर मिल गया। बट मुझे और भी आंसर चाहिए, मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से फिल हैंडल को पकड़ूंगा और नीचे जब तक, कब तक, E10 तक नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। जिस जिस सेल से मैं गुजरूंगा उस सेल में आंसर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सी वहां पर दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन वही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी बोलता है फाइंड द अलावेंस एट द रेट ऑफ सैलरी फॉर सैलरी अबव, एट द रेट 15% ऑफ द सैलरी फॉर सैलरी अबव 25,000, अदरवाइज 10% ऑफ सैलरी इन कॉलम F। अब F में आपको फाइंड आउट करना है आपको फाइंड करना है अलावेंस। सो आपको क्या करना होगा, F में बोला है राइट, सो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा सिलेक्ट सेल F2 और ये कहाँ तक जाएगा, F2 अप टू F10 बाय यूजिंग फिल हैंडल, और यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा। सो यहाँ पर पॉज करके आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला हटा रहा हूँ, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था, नाउ मैं दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू, ऑलवेज इज इक्वल टू लिखना अगर आप भूल गए फॉर्मूले के पहले, तो वो आपका डेटा एंट्री होगा एज अ डेटा, ना कि एज अ फॉर्मूला। सो अगर आपको फॉर्मूला मोड पे जाना है तो यू हैव टू यूज इज इक्वल टू राइट, इज इक्वल टू इफ, वहां पर कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, कंडीशन अगर आपकी सैलरी अबव 25,000 है। सैलरी कहाँ पर दिया हुआ है, D2 में, अबव मतलब ग्रेटर देन, अबव मीन्स ग्रेटर देन 25,000। देन हम लोगों ने सीखा ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट क्या दिया हुआ है, सी ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट कैसे पहचानेंगे वो भी आप सीख लो, अदरवाइज के बाद जो भी दिया होगा दैट इज फॉल्स पार्ट, और उसके पहले जो दिया होगा हम उसको अज्यूम करते हैं दैट इज ट्रू पार्ट। सो यहाँ पर अदरवाइज के बाद में देखिए आपको दिया हुआ 10% राइट, सो वो आपका फॉल्स पार्ट हो गया, और उसके पहले 15% ऑफ बेसिक सैलरी, सो 15% हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू पार्ट 15/100, अदरवाइज D2 into 10/100 एंड फॉर्मूला कंप्लीटेड। सो समझ में आ रहा होगा आई होप। इसके पहले हम लोग ने फाइंड किया था बोनस, फिर हम लोगों ने फाइंड किया अलावेंस। अब थर्ड नंबर पे जो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, देखिए एवरेज ऑफ सैलरी फॉर ओनली द परचेज डिपार्टमेंट इन सेल C2, सेल 12, C12 में सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट का एवरेज फाइंड करने बोल रहा है। सपोज यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सी क्वेश्चन में देखिए आप डिपार्टमेंट दिया हुआ है HR, परचेज, सेल, कंप्यूटर, HR, परचेज, सेल एंड परचेज। सो अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला होगा, बोर्ड विजिबल है यहाँ पर डाउन साइड है ना, विजिबल, ओके। सो एवरेज का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू एवरेज, पूरा एवरेज लिखना होगा, एबीजी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा एवरेज लिखिए एवरेज, और जो भी सेल रेफरेंस दिया हुआ है सेल रेफरेंस आप यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेल रेफरेंस यूज किया, सपोज एवरेज निकाल दिया आपने सारी सैलरी का, सारा सैलरी कहां से कहां तक दिया हुआ, D2 रेंज ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर D10, यानी D2 D3 D4 अप टू D10, ये रेंज ऑपरेटर क्या करता है, ये डिफाइन करता है रेंज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट राइट। मैंने क्या लिखा D2 D10, मतलब D2 से स्टार्ट होगा D10 पे फिनिश होगा, मतलब D2 के बाद और D10 तक
जितने भी सेल्स आएंगे सबको काउंट कर लेगा, किस लिए, एवरेज के लिए, राइट। सो एवरेज हम लोगों को निकालना नहीं है सारी चीज़ों का। अगर मैंने ऐसे किया तो एचआर, परचेज, सेल, कंप्यूटर, सब सारे डिपार्टमेंट्स का एवरेज निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोलता है कि आपको निकालना है परचेज डिपार्टमेंट का एवरेज। सो परचेज डिपार्टमेंट का एवरेज कहाँ पर निकालने बोल रहा है, C12। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिलेक्ट सेल C12, क्या लिखना होगा, C12। एंटर दी फॉर्मूला, थर्ड स्टेप पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। और थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज निकालना है, लेकिन कंडीशनल एवरेज है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर आपका डिपार्टमेंट परचेज है तो ही एवरेज निकालें, अदरवाइज एवरेज नहीं निकालना है, राइट। सो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज तो लिखना ही है यहां पर, लेकिन एवरेज के साथ आपको लिखना होगा इफ, एवरेज इफ। क्यों इफ, बिकॉज कंडीशन दिया हुआ है, राइट। अब आपको एवरेज परचेज डिपार्टमेंट का निकालना है तो पहले आप फाइंड करोगे ना परचेज डिपार्टमेंट कहां है। सी वहां पर देखिए डिपार्टमेंट कहां पर दिया हुआ है, C22C10, वहां पर आपको दिख रहा है परचेज डिपार्टमेंट, लेकिन सपोज वहां पर थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, राइट। सो आपको पता नहीं चलेगा ना परचेज कहां कहां पर है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट सेल को ले लोगे बाय यूजिंग रेंज ऑपरेटर, जो अभी मैंने बताया रेंज ऑपरेटर, राइट। सो C2 रेंज ऑपरेटर C10, यहां पर आपको पूरा परचेज मिल गया, राइट। यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट आ गए, डिपार्टमेंट के सारे लोग आ गए, परचेज कंप्यूटर सब। अब मैं लिखूंगा इसमें से, इस रेंज में से मुझे फाइंड क्या करना है, परचेज, क्या फाइंड करना है, परचेज। यानी कि C2 to C10 तक जाओ, जितने भी परचेज वाले मिलेंगे सबको ले लो, और उनका क्या निकालना है मुझे, एवरेज। इफ C2 to C10 इज परचेज, देन एवरेज निकालना है। और एवरेज किनका निकालना है, इनका एवरेज निकालना है मुझे सैलरी का, राइट। एंड सैलरी देखिए कहां पर दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है D2 to D10 में, एंटर, राइट। और इसको तो ड्रैग नहीं करना है, इस वाले आंसर को ड्रैग नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए फोर्थ वाला स्टेप इसमें नहीं लिखेंगे। और आपको लिखना पड़ेगा यहां पर एक नोट, और वो नोट क्यों लिखोगे, देखिए ये वाला मार्क मैंने तीनों ही आंसर में लगाया है, राइट। इसीलिए मैं वहां पर एक नोट लिखूंगा, साइन, ये जो साइन यूज करता हूं मैं, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स एंटर की। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। ये 8 मार्क का क्वेश्चन था, और इसका मार्क्स आपको डिविजन कैसे मिलेगा, पहले वाले आंसर का 3 मार्क्स, दूसरे वाले आंसर का 3 मार्क्स, और ये जो तीसरा आंसर है एवरेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट का, इसका मार्क्स मिलेगा आपको 2, यानी आपके टोटल बनते हैं 8 मार्क्स। सो आने वाले भी क्वेश्चंस इसी तरह से बड़े आसान क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस और 7 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग सारे यहाँ पर कवर कर लेंगे होपफुली। बस आप लोग नोट्स में पूरी डाल देता हूँ स्कैन करके, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लीजिए, और फिर नोट्स को लेकर बैठिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, और हो सकता है तो मैं इसके आंसर कॉपीज भी भेजता जाऊँगा। सी, और आप लोगों को एक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने इस नंबर से 9833270055 इस नंबर से व्हाट्सअप को रिमूव कर दिया, बिकॉज सम इशूज़ हैं मेरे, टेक्निकल इशूज़ भी हैं और पर्सनल इशूज़ भी हैं, इसलिए मैं वो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता हूँ। सो ये नंबर पे आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्या डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम। टेलीग्राम पर मैंने एक चैनल बनाया है, द स्टडी जोन, ये द स्टडी जोन चैनल को आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, इस नंबर को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पर द स्टडी जोन नाम का एक चैनल है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज यहाँ के नोट्स, सारे नोट्स वहाँ डालता रहूँगा ताकि आप डायरेक्टली उसको रिसीव कर सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, उनको पता नहीं चल पाता कि डाउनलोड कहाँ से करना है, राइट। सो बेटर होगा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उस पर द स्टडी जोन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।